फ्रेंड्स, मैं 4G मैथ चैनल से शुभम त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि परसेंटेज का क्वेश्चन है। और परसेंटेज के अंदर मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि कोई व्यक्ति क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता देता हूं। किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, ठीक है, और 30% लड़के तथा 40% लड़कियां किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरे कक्षा में फेल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि अगर फेल का बता दिया तो आप बता दीजिए कि पास विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो इसको हम अभी शॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये मेरा चैनल है 4G मैथ, यह स्टडी 91 की तरफ से है, यानी इसमें लिखा भी हुआ है यूनिट ऑफ स्टडी 91। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा 4G मैथ चैनल जो है वह लॉन्च हो चुका है और उस पर वीडियोस भी लगातार जा रहे हैं। वहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम को भी स्टार्ट कर रखा है, रीजनिंग का भी कुछ पार्ट स्टार्ट हो चुका है, मैथ में मैंने परसेंटेज को भी स्टार्ट कर रखा है, ताकि हमारा जो शेड्यूल है वो गड़बड़ ना हो। परसेंटेज रेशियो और आपका मिक्सचर एलिगेशन, CISI मिश्रण में सबको इसको मैं पढ़ाऊँ, हाँ, लेकिन साथ साथ आपका बेसिक कैलकुलेशन ना बिगड़े, इस वजह से मैं नंबर सिस्टम भी वहाँ पे स्टार्ट कर दिया हूँ। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल 4G मैथ की लिंक मिल जाएगी। इसीलिए मैं इसको आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसको मेरा ट्रेलर समझ सकते हैं, ताकि आप लोग आइए और हमारे चैनल पे हमारे साथ 4G हो जाइए। नितिन सर का ये राय थी कि मैं अपने चैनल का नाम 4G रखूं, और बहुत दिन से हम लोग इस मैटर पे बात कर रहे थे कि मैथ और रीजनिंग पे सर समय नहीं दे पाए थे, तो कुछ ऐसा हो जाए कि मैथ और रीजनिंग बच्चों को रोज मिले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, है ना। देखिए, अब वो जमाना नहीं रहा कि हम एक्स वाई माने और क्वेश्चन को करें। अगर हम इतना एक्स वाई मान के करने लगेंगे ना, तो टाइम ही नहीं बचेगा। आप SSC, बैंक, रेलवे और अदर किसी भी एग्जाम की बात करें, अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो स्टेट लेवल में भी अगर आपका मैथ में समय बच जाएगा तो अच्छी बात है ना, है ना। तो पहली बात तो मैथ समझ में नहीं आता, जो कोई थ्योरी लगाते हैं उनको मैथ समझ में नहीं आता। अगर हम लोग थ्योरी नहीं लगाएं तो मैथ क्या है, एकदम हलवा है। मैथ से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको 1G 2G 3G सीधा कहाँ ले आऊँगा, 4G। बाकी आप लोग जान ही रहे हैं, नितिन सर का भी आप लोगों ने ट्रेलर वीडियो देखा होगा, ये मेरा ट्रेलर क्वेश्चन है, ट्रेलर वीडियो नहीं है। आप इसके डिस्क्रिप्शन दिए है, मैं एकदम डीपली पढ़ाने वाला हूँ, ये आप मान के चलिए। कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे, मैं एकदम आपको मतलब ऐसे समझाऊंगा ना, मैं क्वेश्चन पे रेशियो डाल दूंगा। अगर आप क्वेश्चन पे रेशियो पढ़ गया तो ये मान चलिए कोई भी चैप्टर हो, अगर रेशियो आपने लगा दिया तो आपकी चीजें क्या हो गई, आसान हो गई। तो आप समझिए, मैं बेसिक से एक्स वाई वाला जो है माना, इतना माना उतना कुछ नहीं मानना है हमको, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। अगर मानना भी है तो 100 मानेंगे, एक्स वाई नहीं। एक्स वाई से पता नहीं क्यों, अब जो भी बच्चा एक्स वाई मांगे करता है, अगर वो SSC, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहा है तो मान चलिए उसको अभी बहुत मेहनत करनी है, जो या तो आपके भयंकर प्रैक्टिस हो, इतना प्रैक्टिस हो क्वेश्चन देखे आंसर बता दे, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप अगर एक्स वाई मांगे कर रहे हैं तो आप अभी 1G पे चल रहे हैं, 2G पे आने में, 3G पे आने में, 4G पे आने में तो बहुत समय लगने वाला है। तो आइए सीखते हैं मैथ्स कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की मैं बात कर लूँगा, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2। तो आप इसको लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ, देखिए रेशियो दिया हुआ है इसलिए मैं लिख देता हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो कितना है 3:2 लिख दिया। पहला तरीका ये है, हमारा पहला तरीका वे वन जो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। इसको हम कई तरीके से देखेंगे, देखिए सबसे बेसिक तरीका यही है कि आप किसी भी नंबर को रेशियो में बांट दीजिए। रेशियो में बांटने के बाद आप मान लीजिए कि संख्या कितनी है, मैं मान लेता हूँ संख्या 100 है, कुछ भी मानना है तो मैं एक्स वाई तो मानूंगा नहीं, मैं 100 मान लेता हूँ। मान लेता हूँ कि वो कितने लड़के हैं, ओवरऑल 100 लड़के हैं, तो 100 लड़के अगर हमारे पास है तो 100 को आप 3:2 में बांट दीजिए, कितने, 3:2 में। अगर आपको बांटना नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3 और 2 कितना, 3 और 2 होता है कितना, 5, लेकिन ये 5 नहीं है, इसको हम मानेंगे कितना, 100,
पांच से सौ कितने गुना पे है? ये 20 गुना पे है। पांच से सौ कितने गुना पे है? 20 गुना पे। तो ये भी 20 गुना पे रहा होगा, 20 60। ये भी कितने गुना पे? 20 गुना पे। और ये भी कितने गुना पे? 20 गुना पे, यानी कितना? 40। यानी अगर मैं 100 माना हूं संख्या, तो 60 और 40 के अनुपात में यह रही होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आया आपको। अब आपको क्या करना है, मैंने मान लिया कितना 100, 60 और 40 हमारे सामने है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 30% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में फेल हो जाती हैं, तो 60 का 30% निकाल लो आप। 60 का 30% कितना? 60 का 10% 6, तो 30% कितना? 6 3 18, यानी 30% कितना हो जाएगा? 18। इसको आप यहां से माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यानी कितना आ गया? 42 हमारे सामने है। ये लड़कों का आ गया। लड़कियों में क्या बोला है? 40% लड़कियां परीक्षा में फेल हो जाती हैं, तो 40% बोला है ना, तो 40 का 40% निकाल लो। 40 का 10% कितना? 4, तो 40% 4 बेगुड़ा कर दो, 4 चौको 16, यानी 16 को यहां से घटा दो। 10 में से 6 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, कितना? 24। यानी 42 और 24 हमारे सामने है। ये क्या आया है? देखिए, ये जो मैंने निकाला 16 यहां से फेल हो गए, 18 यहां से फेल हो गए, तो जो फेल हो गया उसको बाहर कर दिया, बचा कितना? पास होने वाले लड़के ही तो बचे। यहाँ लड़कियों में 24 और लड़कों में 42, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 4 2 6 और 4 2 6, यानी 66 लोग ऐसे हैं जो इस परीक्षा में क्या हो गए? पास हो गए। अब बताइए, 100 लोगों में 66 लोग तो पास हो गए, तो बचे। अब अगर परसेंटेज आपसे पूछे, तो कोई भी नंबर अगर 100 से उसकी तुलना हो रही है, तो जो 100 से वो जितना कम है उतना परसेंट है। ये बात तो आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैंने परसेंटेज का बेसिक वीडियो डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट मेरे परसेंटेज के उसमें जा सकते हैं, इसमें मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर 100 में से 66 लोग पास हैं, तो फेल कितने हैं? इसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो कुछ ऐसा आएगा, 34 लोग क्या है? फेल हो गए हैं। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो था दोस्तों पहला मेथड, मैंने आपको क्या बताया, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेसिक मेथड है। अगर यहां पे मैं और घुमा लेता तो आप परेशान हो जाते हैं। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बताता हूँ, देखते हैं। ये तो रेशियो हमारा रहेगा ही, ये तो चेंज होना नहीं है, ये तो रहेगा ही। तो दूसरा हमारा तरीका क्या कहता है? वे टू क्या कहता है दोस्तों? आप ये रेशियो दिया हुआ है 3 और 2 का, आप इसमें क्या करो, आप इसको मान लो कि 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। ठीक, क्या मान लो? 3 और 2 5 होता है। अब आपको बोला है कि 30% लड़के तथा 40% लड़कियां फेल हो जाती हैं, तो ठीक है, 3 गुणे 30 प्लस 2 गुणे इस 40% ना, तो 40 बराबर 5 गुणे कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड, मैं एक्स तो मानूंगा नहीं, टी मान लेता हूं, तो 3 गुणे 30 2 गुणे 40 और ये कितना? 5 गुणे t। कोई भी क्वेश्चन आए हर क्वेश्चन में फॉलो करेगा, मैंने इसके पहले बार अभी बताया वही फॉलो करेगा, और ये भी। तो 30 और कितना हो गया? ये हो गया 90 प्लस 80, और ये कितना हो गया? 5 गुणे t। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 170 इक्वल टू 5 गुणे t। 5 से इसको काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 34। ये आ गए किसका? टी बराबर कितना आ गया? 34। यानी फेल होने वाले की संख्या कितनी आ गई? 34। अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 34। ये जो आया है ना दोस्तों, ये परसेंटेज आया है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे भी हमने 30% काउंट किया था, यहाँ भी हमने 30% काउंट किया था, इसलिए जो आया है 34 आया है फेल होने वालों की संख्या। आप डायरेक्ट यहाँ से फेल होने की संख्या निकाल सकते हैं, अगर आपको फेल होने का पता है तो आप पास होने का बता ही सकते हैं। 34 फेल हुए तो पास कितने हुए? 66। ये तो हो गया दूसरा तरीका। और हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, आइए मैं इस पे दोस्तों ना, इससे मैं मिक्सचर और एलिगेशन भी लगा सकता हूँ, मिक्सचर को छोड़िए, मैं इस पे एलिगेशन लगा सकता हूँ। एलिगेशन कैसे लगेगा? देखिए, आपको बोला है कि 30% लड़के और 40% लड़कियां, तो इधर लिख लीजिए बॉयज, इधर लिख लीजिए गर्ल्स। ठीक है, कितना परसेंट लड़कियां? 30%, और लड़के कितने परसेंट? 40%। तो अब आपको क्या करना है, रेशियो आपके पास दिया हुआ है 3:2 का, तो 3:2
दो का हमको रेशियो दिया है। तो एलिगेशन का एक छोटा सा रूल होता है, रूल क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या का योग, 40 और 30 कितना, आप 40 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, सॉरी उल्टा बोलिए, 40 और 30 का योग नहीं लेना, योग तो यहां लेना है, 40 और 30 का अंतर लेना है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। तो यहां पे हमने लिख लिया 10, लिख नहीं रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 40 और 30 के बीच का क्या लेना है, अंतर, अंतर को ले लिया यहां, इन दोनों का योग 3 और 2 कितना 5, हमेशा बराबर होना चाहिए, ऊपर वाले का अंतर नीचे वाले का योग हमेशा बराबर हो, अगर बराबर नहीं है तो आपका एलिगेशन जो क्या है कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको बराबर करना है, बताइए 5 में मैं क्या गुणा कर दूं कि 10 हो जाए, इसके बराबर हो जाए, 2 से गुणा कर दूं हो जाएगा 10, तो इधर भी 2 से गुणा करवा देता हूं, इधर भी 2 से गुणा करवा देता हूं, तो ये हो गया 10, यानी इसका अंतर क्या हो गया 10, जो हमको चाहिए था तो 10 मिल गया, अब हमारा काम बन जाएगा, यानी ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 4 और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 6, 3 और 2 6 गुणा किया ना अभी, तो अब देखिए हमारा काम बन गया। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन पे हम यहाँ पे जाएंगे, यानी इस बड़ी वाली देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 30% 40%, 40% बड़ा है, या तो बड़ा वाले में से आप इसको घटा लीजिए तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, या इस छोटे वाले में इस छोटे वाले को जोड़ दीजिए, देखिए 30 में 4 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा 34, 40 में 6 घटाएंगे तब भी कितना आएगा 34, ये आएगी हमेशा फेल होने वालों की संख्या। अब अगर 34% लोग फेल हो गए तो पास कितने हुए 66, तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। अब ये लगा दिया हमने क्या, ये हमने लगा दिया एलिगेशन, और मैं इसमें क्या लगा सकता हूं, आप जब देखते जाइए, मैं बेसिक से क्वेश्चन नहीं करता, अब इसका यूज भी है, ऐसा नहीं कि हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसका हर जगह पे यूज मिलेगा आपको, पूरे परसेंटेज में लेकर के एलिगेशन में तो होगा ही होगा, हर जगह पे मैं इसका आपको यूज दिखाऊंगा, बस समझने का फेर है दोस्तों, यक्स वाई मानिए तो कैलकुलेशन करिए, देखिए यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो आप पेन भी नहीं उठाएंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक तरीका और सिखाता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि यह एवरेज है, एवरेज भी मैं यहाँ पे लगा के दिखा सकता, दिखा देता हूँ आपको, देखिए दोस्तों बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2 का है, ठीक समझिएगा बात को, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 का है, पास लड़के में कितने पास हो रहे हैं 30 पास हो रहे हैं 30%, लड़कियों में 40%, समझिएगा बात को, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब मैं मान लेता हूं कि भाई हमको क्या चाहिए, मैं मान लेता हूं हमको लड़कियों का चाहिए एवरेज, ठीक, मैं इसको एवरेज मान लेता हूं, ये 30 क्या है, ये 30 एवरेज है, अगर मैंने 30 को एवरेज मान लिया ना तो 40 30 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, समझिएगा बात को, 30 को मैंने मान लिया एवरेज, यानी ये हमारा क्या है आंसर, मैंने इसको आंसर मान लिया, ये 30 हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इस 40 को भी अगर मैं कैलकुलेट करके इसमें बता दूं, मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझिए 30 और 40 के बीच में ही हमारा आंसर आने वाला है, एवरेज की नजर से अगर हम देखें, कैसे आइए बात करते हैं, इसको मैंने मान लिया कि हमारा क्या है एवरेज है 30 को, लेकिन हमारा एक्चुअल में एवरेज नहीं है, वो तो निकालना है, 30 को मैंने एवरेज माना और इस पे देखा 30 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो इस 10 को मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 10, और चूंकि रेशियो है रेशियो में कितना दिया हुआ है 2, तो 10 × 2 यानी कितना 20, क्या किया मैंने इससे इसके बीच का अंतर लिया बड़े वाले का, और बड़े वाले का कितना ज्यादा है उसको लिखा, और उसमें ऊपर रेशियो पे 3:2 है ना, तो मैं गर्ल की बात कर रहा हूँ तो गर्ल में उसका नंबर का गुणा कर दिया, 10 × 2 कितना 20, ये 20 है, लेकिन ये 20 कब है 3 और 2 कितना 5, 5 5 लोगों में 20 आया है, तो 5 लोगों में अगर मैं इसको बांट दूं, 5 से मैं अगर काटूंगा तो कितना आएगा 4, इस 4 को आप यहाँ जोड़ दीजिए 30 + 4 यानी 34 लोग ऐसे हैं जो फेल है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आप सबसे कर सकते हैं, लेकिन कैसे आप इजी करेंगे मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ, अब वो जमाना नहीं है जब हम एक्स वाई मान के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, ओह सॉरी मेरा माइक गिर गया, तो आप लोग समझिएगा, अब वो जमाना नहीं है दोस्तों जब मैं एक्स वाई मान के इस क्वेश्चन को करूंगा, तो आप लोग बने रहिए, कहिए तो मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। तो आइए अगर बात करें तो हमने किया क्या, 3:2 का रेशियो बनाया
और परसेंट को परसेंट के नीचे लिखा, इनमें से छोटे वाले को एवरेज माना और उससे बड़े वाले के बीच का अंतर निकाला, उस अंतर को लिखा, ऊपर रेशियो में जो हमारे गर्ल में आ रहा गर्ल के हिस्से में उससे हमने इनको इंटू किया, इंटू करने के बाद इन दोनों के योग से भाग दीजिए, जितना आया उसको इधर जोड़ दिया, वो हमारा फेल का आंसर आ गया पास का। अगर फेल का 34% है तो पास हुए विद्यार्थी कितने होंगे, 66। ऐसे हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप जाके 4G मैथ पे आ करके आप सारे वीडियोस देखिए, नंबर सिस्टम के भी और परसेंट के टेस्ट के भी। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी थोड़ा सा नया हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति नया नया जुड़ता है ना तो उसको थोड़ा सा मन में डर रहता है, मतलब हड़बड़ाहट रहती है, जैसे जैसे मैं थोड़ा सा पुराना होता जाऊंगा ना तो मैं आपके साथ खुल जाऊंगा, फिर आपको उतना ही मजा आएगा जितना मजा स्टडी 91 नितिन सर के साथ आ रहा है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हाँ आप एग्जाम ट्रेंड देख ही रहे हैं, आपको GS का रिवीजन आपको एकदम वहाँ मिल ही जाएगा, स्टडी 91 पे तो आप कंटिन्यू बने ही हुए हैं। आइए, आप 4G मैथ में भी आपका स्वागत है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और भी अगर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो जी बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।